दंडोत बंधन अनिक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणा नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती ला फरीदा किथे तैने मापिया जिनी तै जनियो तै पास्यो लद गए तू अजे ना पति ने ओ जो दिन आवे सो दिन जाही जो दिन आवे सो दिन जाही करना कुछ रहने तिर नाही करना कुछ रैन थिर नाही जो दिन आवे सो दिन जाही जो दिन आवे सो दिन जाही संग चलत है हम भी चलना संग चलत है हम भी चलना दूर गबन सिर ऊपर मर सिर ऊपर मरना जो दिन आवे सो दिन जाही जो दिन आवे सो दिन जाही जो दिन आवे सो दिन जाही जग सच कर जाना क्या तू सोया जागियाना तै जीवन जग सच कर जाना जो दिन आवे सो दिन जा
स्थिर नाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। जिन जिय दिया सूरज कमरावे, सबकी पीतर हाथ चलावे, कार बंदगी छाड़ में सवेरा, जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। करना कुछ रैन तिर नाही, कर जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। जन्म सिरानो पंथ न सवारा, सांझ भरी दह दिशे अंधियारा, कह रविदास निदान नाही, दुनिया फन खाने, जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। करना कुछ रैन थिर नाही, करना कुछ रैन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना, दूर गबन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे
जाहि जो दिन आवे सो दिन जाहि जो दिन आवे सो दिन जाहि करना कुछ रैन थिर नाहि ये रचना संत रविदास जी की है, जिन्हें संत रैदास भी कहते हैं और कोई कोई संत रविदास भी कहते हैं। जो दिन आता है सो दिन चला जाता है। करना कुछ रैन थिर नाही, कुछ माने चलना, टू मूव टू गो। वी आर नॉट हियर टू स्टे परमानेंटली फॉरएवर। हम यहाँ आए ही जाने के लिए, शरीर आया ही है जाने के लिए, शरीर जन्म ही है मरने के लिए। अब जिस सीट में, ट्रेन की सीट में आप बैठे हो उठने के लिए, तो उस सीट के लिए क्या किसी के साथ लड़ना झगड़ना बनता है? ये शरीर पाया ही है हमने खोने के लिए, तो फिर इस शरीर से ममता करना बनता है? इट इज लाइक दैट द बॉडी हैज बीन लेंट टू अस एंड वी काइंड ऑफ पे रेंट फॉर इट। व्हाट इज द रेंट? रेंट इज आवर ब्रेथ। सो एज मेनी ब्रेथ्स वी हैव इन आवर डेस्टिनी, वी आर अलाउड टू स्टे इन दैट बॉडी फॉर दैट लॉन्ग। द डे your bank of breath is empty, that is the time when the owner of this property, the owner of this body is Lord. So Lord makes us kicked out of this house. It's a rented property. And to falsify that we own this body is the most stupidest thing which we can do. ये शरीर हमारा नहीं है, हमें मिला है, हम इसके ओनर नहीं हैं, ये हमें उधार मिला है और जिसने उधार दिया है वो वापिस लेगा। तो इस शरीर में हम रहने के लिए नहीं हैं, ये शरीर तो बस थोड़ा समय है आपके पास। एंड अनफॉर्चुनेटली यू डोंट इवन नो व्हेन यू विल बी किक्ड आउट ऑफ दिस हाउस, बिकॉज यू विल नॉट बी गिवन एन एविक्शन नोटिस। यू विल बी जस्ट आउट। अब हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर है, हमारी जिंदगी है, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ, दिस इज बिगेस्ट मिस्टेक, इट्स नॉट योर लाइफ। Those who think this is their life, they are fools, they are ignorant, they are unwise, they are not aware, they don't know the truth. अब जब शरीर ही हमारा नहीं है, तो फिर शरीर के साथ जुड़ा हुआ माँ बाप, पत्नी बच्चे, परिवार, बहन भाई, चाचा मामा, ताया नानी दादी, फिर ये क्या मेरे हुए? ये भी टेम्परल है। इफ यू गेट अ जॉब एट एन एडहॉक बेसिस, दैट इज नॉट अ परमानेंट वन। सो डोंट बी अ फूल।
सो दिस बॉडी इज गिवन टू अस एट एन एड हॉक बेसिस एंड देर इज अ कंडीशन लेड बाय द गिवर एंड द कंडीशन इज ब्रेक द शैकल ऑफ योर डार्कनेस एंड इग्नोरेंस सर्च मी दैट इज द कंडीशन आपको इस शर्त पे मिला है यह शरीर कि आप इस शरीर के रचनहार को समझो ढूंढो खोजो. अब आप अगर कंडीशन भी पूरी ना करो और आप शरीर को मेरा मेरा भी बोलते रहो तो आप तो सारे लॉज ब्रेक कर रहे हो. कानून तोड़ने वाले को हम अपराधी कहते हैं, नहीं बोलते अपराधी के. तो आप क्या ईश्वर के कानून को नहीं तोड़ रहे हो? आप भी ईश्वर के इस कानून को तोड़ रहे हो. और जो कानून को तोड़ता है उसको दंड भी मिलता है, ये भी बात तय है. तो ये जो आपके मन में चिंता 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 नागनी बैठी रहती है ना, ये चिंता उसी का दंड है जो आपको मिलता है. आप कहते हो मेरे बेटे मेरे बच्चे मेरे सब मेरे से ना असली वाला प्यार नहीं करते सब, मतलब ही कोई एक टाइम आ जाता है जिंदगी में जब ये पर्दा उठने लग जाता है. और जब ये पर्दा उठता है ना तो आदमी कहीं का नहीं रह जाता. क्यों? ईश्वर बिसार दिया, भुला दिया, छोड़ दिया, दुनिया के पीछे जिंदगी लगा दी. दुनिया हाथ आनी नहीं, ईश्वर को पकड़ा नहीं, कहाँ रहेंगे अब आप? क्या जगह रही आपकी? देखो, भजन सुमिरन करते, ज्ञान सत्संग करते, योगा आसन करते, ध्यान करते, सुमिरन करते हुए आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाओ तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं. लेकिन जिस वजह से आपको शरीर मिला है, आप उस वजह को ही एक किनारे करके जिंदगी की दौड़ लगाओगे तो तुम्हारा जीना भी पाप तो मरना भी पाप हो जाएगा. मैं बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ. And I'm using these harsh words because today is your last session here with me in ashram and then you will be gone. So today I cannot be soft on you. After today, either you will hate me too much and never see my face again, or maybe I'll make you so much guilty कि आपका घर जाके दिल ही न लगे. मैंने उस दिन बोला ना, श्री कृष्ण ने क्या बोला उद्धव को, हाँ, कि जिसके ऊपर मैं करुणा कर दूं, जिसके ऊपर मैं करुणा करूं, जिसके ऊपर मैं कृपा करूं, मैं उसको दुख भेजता हूं, और जिसके ऊपर ज्यादा करुणा करूं तो याद है भूल गया. ये बातें तो तुम्हें याद नहीं रहने वाली. उसके मित्र और परिवार के लोग उससे शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे. दे विल बिहेव लाइक एनिमीज टू दिस पर्सन. And my final grace is, when other than me in this whole world, he cannot say anybody that you are mine or I am yours. तो भाई गुरदास जी is considered as the Vedavyas in Sikh religion. Very thoroughly scholar, adept, great disciple of Guru. He wrote in one of his war, हम अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा. हाँ, माने मैं अपराधी हूं, गुनाहगार हूं और बेमुख हूं और मंदा हूं. बेमुख मतलब जिसने गुरु को पीठ दिखा दी, जिसने गुरु को धोखा दे दिया. मंदा माने गंदा, मलिन, डर्टी. चोर यार जुआर हों पर गर चोहंदा.
मैं चोर हूं, मैं जुआरी हूं, मैं पर घर दूसरे के घर को लूटने वाला। अब आप सोचेंगे कि इतना विद्वान स्कॉलर गुरु का प्यारा ये शब्द क्यों कह रहा है, क्या चोरी कर दी, क्या गुनाह कर दिया। यही है गुनाह जो मैं कह रही हूं। शरीर प्रभु का, जीवन प्रभु का, हम कहते मेरा। किसी के सामान को जो लेवे तो वो चोर नहीं है? तो क्या आप चोरी नहीं कर रहे? गुरु मतलब ज्ञान। क्या आपने आज से पहले ये नहीं सुना कि सब ईश्वर का है, वो फिर भी आप कहते हो मेरा मेरा मेरा, तो हुए ना बेमुख गुरु से। और जानबूझ के गुनाह करे वो गुनाह और बड़ा हो जाता है। प्रीमेडिटेटेड मर्डर इज कंसिडर्ड टू बी दी बारबेरिक क्राइम एंड द कोर्ट्स गो वेरी हार्ड ऑन दैट पर्सन। इफ इट इज अ प्रीमेडिटेटेड मर्डर, सोच समझ के कत्ल किया हो तो कानून बड़ी कड़ी सजा देता है। कत्ल हो गया लेकिन गुस्से में, जोश में, एट द मोमेंट लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड किल द अदर पर्सन, कोर्ट गोज बिट सॉफ्ट बिकॉज वी आर ह्यूमन, राइट? सो कोर्ट सेज वेल वी आर ह्यूमन सो वी विल बी सॉफ्ट, इट वॉज अ मिस्टेक बट इट इज नॉट प्रीमेडिटेटेड। तो कत्ल का केस कभी कोई वकील कोर्ट में लड़ रहा हो ना, तो वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि ये कत्ल सोचा समझा नहीं है, बस हो गया उस समय, ताकि सजा कम मिले। अब आपने सुन रखा है सब ईश्वर का है, फिर भी कहते हो मैं। शरीर उसका है, फिर भी कहते हो शरीर मेरा। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, सारा टाइम मेरे मेरे। गुनाह है ये। निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, निंदा करते हो कैसे? जो किसी में अवगुण ना हो और वो अवगुण हम उसके बोलें तो ये निंदा होती। माने हम अपने दिमाग में एक बुराई बना लें किसी के लिए और फिर हम वो बुराई बोलते रहें सबको, ये निंदा होती। प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है लेकिन फिर भी हम शिकायत करते रहते, क्या मिला क्या मिला, क्या दिया क्या दिया। हमारे मन में करोड़ों करोड़ों चाहते हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो हम ईश्वर की निंदा करते हैं। गॉड इज नॉट बीन काइंड ऑन मी। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ये शिकायत हम कर देते, क्या ये ईश्वर निंदा नहीं? दुनिया में कोई संति नहीं है। आप जब ये बोलते हो तो आप संत निंदा कर रहे हो। ये दुनिया कभी संतों से खाली नहीं हुई है, ना होगी। तुम बदकिस्मत हो, तुम्हें कोई ना मिले तो अपनी किस्मत को दोष दो, अपने कर्मों को दोष दो। बट यू कंसिडर योर सेल्फ एज द पायस्ट ऑफ पायस एंड देन यू बिगिन टू जज अदर महात्मा और संत, दोज हु आर अवेलेबल, यू नो दे आर नो गुड, दे आर नो गुड, यू आर गुड। You are judging and rejecting Mahatma. Who are you? Please bite your tongue before it speaks ill of anybody. अपनी जुबान को काट लिया करो दांतों से अगर ये जुबान किसी की बुराई करने लगे। लेकिन हम जुबान को काटते नहीं, हम तो जुबान को अच्छा अच्छा और भोजन खिला के पालते हैं और फिर इस जीव से निंदा करते हैं। निंदक दुष्ट, हम निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुष्ट हैं। वी आर क्रूअल, वी हैव नो कंपैशन फॉर एनीबडी, दैट इज व्हाई वी नेवर फॉरगिव और फॉरगेट एनीथिंग। हमें कोई
हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए ये कहे कि आप अहंकारी हो, अपना अहंकार ठीक करो, तो हम कहने वाले पे गुस्सा आता है, अच्छा मुझे ये बोला, ये बिल्कुल सच है। वी लाइक अ पर्सन एज लॉन्ग एज दैट पर्सन प्रेजिज अस, इवन इफ इट इज अ रॉन्ग अप्रेजल। हमारी तारीफ करे, हमें अच्छा बोले, हम हो ना हो अच्छे, नो डोंट, यू कैन नॉट से एनीथिंग इल अबाउट मी, आई विल नॉट लीव यू इफ यू स्पीक इल टू मी। इसीलिए चापलूसों, झूठी तारीफ करने वालों की भीड़ में आप बहुत खुश रहते हो।